हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ची गार्डन में। मैं अर्चना। फ्रेंड्स, अभी शाम का 6 बज रहा है और आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी और अभी आप देख सकते हैं किस तरह का धूप निकला हुआ। अभी सूर्यास्त हो रहा है, देख सकते हैं। चलिए मैं अपना किचन गार्डन के बारे में बताती हूँ। जो मैंने छोटा सा किचन गार्डन बनाया था उसमें आप देख सकते हैं ये पत्ते पर, चलिए मैं दिखाती हूँ अच्छे से आपको। यह आप पत्ते को देख रही है, स्नैक बीन्स का प्लांट है इसमें लगा हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक लीफ माइंडर बीमारी होता है पत्तों पर, ऊपर से भी रहोगा और नीचे से भी होगा। नीचे से तो नहीं दिखता है लेकिन ऊपर से हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं सारे पत्ते में इस तरह से लग जाता है। ये देखिए, ये एक प्रकार का डिजीज है जो सब्जियों में टमाटर, भिंडी ऐसे या फूलों में, जरबेरा में भी आप देख सकते हैं कभी कभी कि अगर प्लांट को अच्छे से केयर नहीं हो पाता है तो उसके भी पत्तों में ये लीफ माइनर जो होता है लग जाता है। एक ये जो लीफ माइनर है, अगर आप इसको नहीं मतलब हटाइएगा या इसका आप मतलब इलाज नहीं कीजिएगा, अगर उसको आप ठीक से नहीं देखभाल कीजिएगा तो ये पूरे प्लांट को आप देख सकते हैं। मेरे यहाँ जो है ना धूप हो रहा है, बारिश हो जा रहा है, धूप हो रहा है, बारिश हो जा रहा है, इसकी वजह से हम लोग जो दवा भी डाल रहे हैं वो दवा असर नहीं कर पा रहा है। ये देख सकते हैं पूरे पत्ते पर इस तरह से हो गया है और इसमें स्नैक बीन्स भी हो चुका है लेकिन अब इस प्लांट का उतना ग्रोथ नहीं होगा। अगर इसको हम देखभाल नहीं करेंगे तो इसका ग्रोथ जो है रुक जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये जो है ना एक प्रकार की तितली होती है जो इसके पत्तों पर अपना लार्वा ला करके डाल देती है। वो लार्वा जब बड़ा हो जाता है वो पत्तों के बीच में चला जाता है और अभी देख सकते हैं सरता स्नैक्स चल रहा है, उस तरह से इसमें लाइनिंग लाइनिंग हो जाता है पूरे में, देख सकते हैं। ये इस तरह करते करते फिर इसके डाल पर पहुंच जाएगी और डाल से भी इसको जड़ में चले जाएगी और ये जो प्लांट है आपका ख़राब हो जाएगा। चलिए इसका इलाज बताते हैं। ये जो है लीफ माइनर जो बीमारी है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं ज़्यादा पत्ता ख़राब है तो उसको आप इस तरह से काट करके हटा सकते हैं, इस तरह से काट करके हटा भी सकते हैं। देख सकते हैं काट के हटा दीजिए। अगर प्लांट में बहुत ज़्यादा पत्ता ख़राब हो गया या बहुत ज़्यादा प्लांट है और उसमें अगर हो जाता है तब क्या कर सकते हैं। मेरे पास तो एक दो प्लांट है तो उसमें से हम हटा देंगे ये पत्ते जो है, जो ख़राब पत्ता उसको हटा देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा करके प्लांट रहता है तो उसमें से तो आप नहीं हटा सकते हैं ना, उसके लिए क्या करना है चलिए मैं बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं इस बॉटल में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। बॉटल में 1 लीटर पानी ले लिया है, नीम ऑयल है। 1 लीटर पानी में ये 30-40 ml इसमें मिला देना है। मिलाने के बाद स्प्रे बॉटल को अच्छे से बंद कर दें और ये पूरे पत्ते को ऊपर और नीचे भी पूरे पत्ते को अच्छे से भिगा देना है। ऊपर और नीचे से पूरे पत्ते पर स्प्रे करना है, देख सकते हैं इस तरह से स्प्रे करना है। स्प्रे करने से ऐसा नहीं है कि ये पत्ते, ये जो लग गया है बीमारी वो हट जाएगा, नहीं हटेगा, वो इसी तरह से रह जाएगा लेकिन आगे कोई इस पर मतलब उस तरह का बीमारी नहीं होगा। और ये जो पत्ते आपने तोड़े हैं इस तरह से, अगर आप पत्ता अगर एक दो पत्ता में लगा हो तो इसको तोड़ करके कहीं दूर में फेंक दे या तो जला दे इसको इस तरह से करके, और हर वक्त हर 7 दिन पर, 4 दिन पर, 2 दिन, 3 दिन पर इस तरह से करके आपको इसका छिड़काव करते रहना है ताकि आगे ना लगे। इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि इसका पत्ते पर अगर हम इसको छिड़काव भी कर रहे हैं ना तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो बीमारी जो है ये ना ऊपर से है ना नीचे से, ये पत्तों के बीच में है और हम जो दवा स्प्रे कर रहे हैं या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, पत्तों के बीच में जो है नहीं पहुँच पाएगा। तो आगे नहीं हो इसके लिए हमें ये दवा छींटना है,
रेगुलर वे पे, ताकि आगे इस पर कोई भी मधुमक्खी तितली जो है तितली आके ना बैठे और अपने लार्वा को इस पर ना दे। बस चलिए और भी मैं दिखा देती हूँ। चलिए इस स्नेक बीन्स को जो है तोड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, हाथ से टूट जाए। चलिए इस तरह से देखिए और भी है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि हटाने के बाद ही इसमें बीज फल लगेगा। देखिए इधर से भी है, लेकिन ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो इसको भी अभी नहीं हटाएंगे। इधर भी बहुत छोटा छोटा सा है अभी स्टार्टिंग, ये फल मतलब हम तोड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं भिंडी भी हो गया है, और भी भिंडी है उसको उतार लेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये खीरा फलने लगा है, ये जो देख रहे हैं खीरा का पेड़, इसमें खीरा लगना शुरू हो गया है। अभी चलिए देखिए इधर भी और स्नेक बीन्स है, उसको भी उतार देते हैं क्योंकि हो गया है। इधर भी देखिए ये बहुत बड़ा ये नहीं है, ये मात्र 16 इंच का गमला है, पॉट जिसको बोलते हैं, 16 इंच का है बस। अभी देख सकते हैं इसमें बहुत छोटा छोटा सा, इसको छोड़ देंगे, ये कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा करके होने लगेगा। ये देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा लग रहा है और कितना छोटा सा प्लांट है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इस तरह से करके आप उतारते जाइए ताकि आगे इसमें और फल लगते रहेगा। चलिए ये भी थोड़ा बड़ा हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई पौधा लगा हो और उस तरह का बीमारी अगर लग जाए तो, ताकि अभी वो भी आदमी अपना प्लांट का इलाज कर सके, ताकि उसके प्लांट में भी खूब फ्रूट्स हो। देख सकते हैं इस तरह से, ये सब मैं नहीं लगा हुआ क्योंकि इसमें मैंने ना शुरू से ही दवा डालते रहे, और दवा डालने के बाद कभी कभी बारिश हो जाता है, दवा जो भी होता है डालने पर वो सब धूल जाता है, इसलिए लग जाता है कभी कभी। चलिए वीडियो को बंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।